मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। पंजाब में आपको पता है कर्फ्यू चल रहा है, उस दौरान बहुत सारे जगहों पे कर्फ्यू की पास की चेकिंग चल रही थी। वेजिटेबल मार्केट के नज़दीक पुलिस वालों ने एक निहंग सिख जो ग्रुप है उनसे भी पास मांगा तो उनको गुस्सा आ गया। इसी हाथापाई और मारपीट के दौरान उन लोगों ने एक पुलिस वाले का बाएं हाथ काट दिया। बाद में दूसरे पुलिस वाले ने उस पुलिस वाले को स्कूटर पर बैठाया, कटे हुए हाथ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर लोगों ने सक्सेसफुली उनके हाथ को जोड़ दिया है। इसी दौरान पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया है जो ऐसी हरकतें किए। सारे मंत्री आज दफ्तर पहुंचे और अपना काम शुरू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बाद ये काम शुरू हुआ है। लॉकडाउन में सिर्फ एक दिन बाकी है उसके पहले, हालांकि हम सभी को मालूम है लॉकडाउन बढ़ने वाला है, लेकिन ये मैसेज जब तक पीएमओ से नहीं आता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, हम उस पर कन्फर्मेशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सभी सीएम ने कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, कहीं पर 1 मई तक रहेगा, कहीं पर 30 अप्रैल तक रहेगा। एक खबर और आई है एक गांव से। पति का जो उम्र है वो 65 साल और उनकी पत्नी 60 साल की थी। उनके पत्नी को कैंसर था और उनको कीमोथेरेपी कराना था। साइकिल पे वो 130 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं सिर्फ इसलिए कि अब उनके वाइफ को कीमोथेरेपी कराना था। तो जब प्यार और मोहब्बत ज़रूरत से ज़्यादा हो और इंसान एक दूसरे का केयर करता है तो 130 किलोमीटर पर साइकिल पे की दूरी बहुत कम ही नज़र आती है। मुंबई से खबर ऐसी आई कि जो कोरोना वायरस के लोग मर जा रहे हैं तो उनके परिवार वाले, उनके दोस्त और उनके पड़ोसी कोई भी उनके बॉडी को लेने नहीं आया। ऐसी 10 केस सामने आए हैं जिसको बाद में ले जाकर बिना किसी परिवार और बिना किसी रिलेटिव के ही उनके शव को जला दिया गया। अब मैं देता हूँ आपको कोरोना वायरस का अपडेट। उससे पहले ये बता दूँ कि हफ्तों बाद चीन में 108 ज़्यादा नए केसेस रविवार को देखने को मिले। हिंदुस्तान का टोटल नंबर इस वक्त हो चुका है 9,240। टोटल डेथ जो हुए हैं वो है 332। महाराष्ट्र का 1,982, टोटल डेथ 150। और जो नंबर ऑफ सैंपल टेस्ट हुए हैं वो है 35,668। दिल्ली 1,154, डेथ 24। टोटल जो टेस्टिंग हुई है वो 14,036। तमिलनाडु 1,075, डेथ 11, टेस्टिंग हुआ 10,655। राजस्थान 815, डेथ 11, टोटल टेस्टिंग 28,505। मध्य प्रदेश 562, टोटल डेथ 43, टेस्टिंग 10,481। तेलंगाना 531, डेथ 16। इस वक्त तेलंगाना के टेस्टिंग का डेटा नहीं आया। गुजरात 516, डेथ 24, टोटल टेस्टिंग 11,715। उत्तर प्रदेश 483, डेथ 5, टोटल टेस्टिंग 11,855। आंध्र प्रदेश 420, टोटल डेथ 7, टेस्टिंग 6,958। केरला 375, डेथ 2, टेस्टिंग 14,989। जम्मू एंड कश्मीर 245, डेथ 4, टोटल टेस्टिंग 3,600। कर्नाटका 232, डेथ 6, टोटल टेस्टिंग 9,251। यहाँ दो चीज़ नोटिस करने की है कि लास्ट 24 घंटे में तकरीबन 35 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे में जो नए केसेस है वो है 796। तो नंबर ऑफ केस जो 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, मौत भी काफ़ी हुई है। कोरोना वायरस का जो वर्ल्ड वाइड डेटा है वो आपके सामने रखता हूँ। वर्ल्ड का टोटल नंबर अभी जो है वो है 18,56,798। टोटल नंबर ऑफ डेथ 1,14,312। रिकवरी 4,28,275। US का जो टोटल नंबर है वो है 5,60,433। टोटल डेथ 22,115। स्पेन 1,66,831। टोटल डेथ 17,209। इटली 1,56,363। टोटल डेथ 19,899। फ्रांस 1,32,591। टोटल डेथ 14,393। जर्मनी 1,27,854, टोटल डेथ 3,022। यूके 84,279, टोटल डेथ 10,612।
एक चीज यहाँ नोटिस करने की है कि जो यूके का नंबर है वो है 84,279 और जो डेथ है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यूएस से तो यूएस में 5,00,000 होने के बाद 22,000 है, यहाँ पे सिर्फ 84,000 होने के ऊपर 10,000 से ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ परसेंटेज जो डेथ हुए हैं यूके में सबसे ज़्यादा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।